तो दोस्तों आज हम करने वाला है SBI कैशबैक क्रेडिट कार्ड अप्लाइंग। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप भी SBI कैशबैक क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं तो आप किस प्रकार से करेंगे जिससे कि आपका 100% अप्रूव हो जाए। वो कुछ मैं ट्रिक्स इस वीडियो में बताने वाला हूँ जिनकी मदद से अगर आपका कैशबैक क्रेडिट कार्ड अप्लाई नहीं होता तो अगर आप वो ट्रिक फॉलो करेंगे तो आपका 100% कैशबैक क्रेडिट कार्ड अप्लाई हो जाएगा। तो वो सारे डिटेल जानने वाले, कैसे होगा, क्या होगा, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कैसा कार्ड देखने को मिलेगा, वो सारे डिटेल हम इस वीडियो में जानने वाले। तो चलिए जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जान लेते हैं कि आपके पास अगर आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं तो आपके पास में 750 यानी 750 आपका क्रेडिट स्कोर होना चाहिए। साथ साथ में आपके पास में आधार कार्ड और पैन कार्ड भी होना बहुत ज़रूरी है। चलिए हमारे मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं हम SBI कैशबैक क्रेडिट कार्ड को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ आ जाना है, यहाँ पर आपको स्टार्ट जर्नी पर क्लिक कर देना। उसके बाद में आपको पर्सनल डिटेल, प्रोफेशनल डिटेल और KYC डिटेल आपको फिल करनी होगी। पर्सनल डिटेल में नेम आपका, मदर सिटी नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब पूछा जाएगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर आपको माय नेम इज़ आपका फर्स्ट मिडिल नेम और लास्ट नेम, आपके मोबाइल नंबर और जो चेकबॉक्स दिया गया है इस पर आपको क्लिक करके कंटिन्यू पर क्लिक कर दे। उसके बाद में आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वो OTP यहाँ पर फिल कर लेना है। तो चलिए हम OTP फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको करंट रेजिडेंटल सिटी मांगा जाएगा, तो आपको सिटी चूज़ कर लेना। उसके बाद में आपको कंटिन्यू कर देना है। यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। अगर पहले से ऑटोमेटिक आती है तो यहाँ से आप इसे एडिट भी कर सकते हैं। तो चलिए हम डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद में यहाँ पर आगे के लिए प्रोसेस करेंगे। तो जैसे हम आगे के लिए प्रोसेस करें, यहाँ पर आपको मदर नेम, ईमेल आईडी आपसे पूछी जा रही है, तो आप अपनी मदर नेम, ईमेल आईडी दोनों डाल दें। तो चलिए हम डालकर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। तो उसके बाद में आपसे ये पूछ रहा है कि आप सैलरीड पर्सन या सेल्फ एम्प्लॉयड या रिटायर्ड पर्सन है, तो आप जो भी हैं जो यहाँ पर डाल दें। तो चलिए अभी हम सेल्फ एम्प्लॉयड पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद में आपको अगर आपकी कंपनी नेम यहाँ पर नहीं मिलता है तो आप कुछ भी डाल दें, यहाँ पर आपका ये ले लेगा। उसके बाद में आपको डेजिग्नेशन आपका डाल देना है कि आपका क्या रोल है वहाँ पर। चलिए सारे डालने के बाद में आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपको जहाँ आप काम करते हैं वहाँ का आपको एड्रेस डाल देना है, जो कि आपको एड्रेस, पिन कोड, आपका लैंडमार्क, सिटी, स्टेट सब डालकर कंटिन्यू टू स्टेप 3 पर क्लिक करना होगा। तो चलिए सारे डिटेल फिल करने के बाद में कंटिन्यू स्टेप 3 पर करेंगे। तो उसके बाद में हमें यहाँ से डिजी लॉकर के लिए हमारा आधार नंबर डालकर, जो हमारे आधार से डिटेल है वो फेच करेगा। तो चलिए आधार नंबर डालकर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वो OTP आपको डालकर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे ये आपकी डिटेल आधार से फेच करेगा, तो यहाँ से आपको अलाउ कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ से अलाउ करेंगे आपको कुछ सेकंड यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है, यहाँ पर आपको इसको क्लोज नहीं करना है। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप इसे डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। और चलिए, तो अभी हमारा कंप्लीट हो रहा है डिजी लॉकर से वेरिफिकेशन, तो KYC हमारी डायरेक्ट यहाँ से हो जाती है। तो चलिए यहाँ पर KYC होने के बाद में आपको करंट एड्रेस, जहाँ आप पर रह रहे हैं वहाँ का आपको हाउस नंबर, लोकेलिटी, आपको एड्रेस, लैंडमार्क, पिन कोड, सिटी वगैरह सब डालकर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो चलिए अभी हम कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। अगर आप एलिजिबल होंगे तो यहाँ पर आपका ऐसा कुछ डियर कॉन्ग्रेचुलेशन देखने को मिलेगा, तो अभी हम एलिजिबल हैं। तो आगे की ओर बढ़ेंगे, यहाँ से हमें एक सेल्फी लेनी होगी हमारी, जो कि KYC वेरीफिकेशन होता है। तो चलिए सेल्फी लेने के बाद में क्लिक नाउ पर क्लिक करेंगे। यहाँ से बैंक अकाउंट वेरीफिकेशन होगा, जो कि आपके अकाउंट में 1 रुपये आएगा, और साथ साथ में अब आपको वापस 1 रुपये हैं उनके अकाउंट में वापस SBI के में डालने हैं, जिससे कि आपका अकाउंट वेरिफिकेशन हो जाए। तो चलिए यहाँ पर, और आप वापस डालने के लिए आप नेट बैंकिंग, UPI दोनों में से कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अभी हमने देखा कि सबमिट योर अप्लीकेशन टू योर गार्ड, तो अभी हमारा जो अप्लीकेशन है उसे हम सबमिटेड करेंगे। तो अभी हमारा जो अप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुका है और जो हमारा क्रेडिट कार्ड है वो जल्दी हमें देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार आप भी अपना क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर। तो दोस्तों आपने देखा हमारा SBI कैशबैक क्रेडिट कार्ड अप्लाई और अप्रूव भी हो चुका है। तो हमारे पिन कोड पर अवेलेबल नहीं था तो भी हमें ये अप्रूव हो चुका है। तो किस लिए, कैसे अप्रूव हुआ, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि अप्रूव करने के लिए हमें क्या, हमारे पिन कोड पर अवेलेबल नहीं था तो हमने डिफरेंट पिन कोड ट्राई किया जिससे कि हमारा क्रेडिट कार्ड अप्रूव हो गया। अगर आपके पिन कोड पर भी अप्रूव नहीं होता है या आपको एलिजिबल नहीं बताता है कि यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो आप अपने जो डिफरेंट एरिया का पिन कोड वो ट्राई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।